की योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर देखिए गाड़ी धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ और यहीं से सीधे जाएंगे दूसरे मंजिल पर, अस्पताल के दूसरे मंजिल पर, जहां पर इलाज चल रहा है घायलों की। 8 से 10 घायल यहां पर हैं और यहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अंदर अस्पताल के अंदर जाते हुए और अस्पताल में घायलों से जाकर मुलाकात करेंगे, उनसे उनका हालचाल लेंगे, पूरे वाकया जानेंगे किस तरीके से भगदड़ मची है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भगदड़ मची है, वो उस पर बातचीत करेंगे। अस्पताल के दूसरे मंजिल पर जो घायल है वो एडमिट किए गए हैं ओपीडी से ठीक ऊपर, 8 से 10 घायल यहां पर एडमिट है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे आइडिया लेंगे कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो घायल हैं और अंदर से भी तस्वीरें आएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि जब वो वहां पर घायलों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इलाके के एसएसपी मौजूद हैं, संजय प्रसाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। अब हाथरस के सभी बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए सारे बड़े अधिकारी जो हैं इस वक्त अंदर जाते हुए और मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यू टर्न लेते हुए, थोड़ी देर में तस्वीरें अंदर से भी आ जाएंगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे, हालचाल लेंगे घायलों से, क्योंकि कल जैसे ही यह हादसा हुआ भगदड़ की बात निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की एक कमेटी बना दी, उस कमेटी को रिपोर्ट देनी है, जांच करके 24 घंटे का वक्त दिया केवल, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि वो खुद हाथरस आएंगे, पीड़ित से यहां पर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे और समझेंगे कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे। जो शुरुआती जांच हुई है, जो FIR के मुताबिक 80,000 की इजाजत दी गई थी, 80,000 श्रद्धालु सत्संग में पहुंच सकते थे, लेकिन ढाई लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, 3 गुना, ये एक बड़ी लापरवाही थी। FIR दर्ज हुआ है मुख्य आयोजक के खिलाफ और अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, लेकिन तस्वीरें यहां पर देखिए, मैं ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अस्पताल के अंदर से भी तस्वीरें आएंगी और जब तस्वीरें आएंगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पल पल की अपडेट, हाथरस भगदड़। तो अमित, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं, देखिए यहां पर पीड़ितों से हालचाल जानते हुए, उनकी स्थिति को समझते हुए, उनकी वो अपनी आपबीती मुख्यमंत्री योगी को बता रहे हैं और मुआवजे का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन ये बड़ी बात है कि खुद इस वक्त जिला अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी और यहां पर लोगों से मिलते हुए, पीड़ितों से मुलाकात करते हुए और पूरी स्थिति का आंकलन करते हुए, क्योंकि हमने देखा कि कल जो हादसा होता है उसके बाद योगी सरकार एक्शन लेती है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अभी तक के बड़े अपडेट्स भी हम आपको बता रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, इससे पहले उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है, क्योंकि कई लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। जो मौतों का आंकड़ा है वो 100 से ऊपर हो चुका है। अभी SDM ने DM को रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखिए अब दूसरे पीड़ित से बात करते हुए, क्योंकि कई लोगों को अपनों का इंतजार है, कई लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, ऐसे में जो FIR दर्ज हुई है उसमें आयोजकों के नाम शामिल है। कुछ देर बाद मीडिया से भी मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे, 12:30 बजे का समय होगा जब वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। राजनीति तो इस पर हो रही है, लेकिन खुद जब मुख्यमंत्री ग्राउंड पर है, लोगों के बीच जा रहे हैं और वो भी बताते हुए, उनकी बात को समझते हुए, वो किस तरीके से भगदड़ मची, क्या कुछ वहां पर हुआ, और FIR में तो कई बातें स्पष्ट हैं, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है उसमें ये भी बड़ी बात है कि जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे भोले बाबा, उनके जो सेवक थे उनकी तरफ से वहाँ पर धक्का मुक्की होती है, जिस वजह से स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है, ये FIR में दर्ज है। ऐसे में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे लापरवाही किसी भी स्तर पर हुई हो, चाहे फिर वो प्रशासनिक स्तर पर हुई हो, या फिर हमने देखा कि अब इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब यहाँ पर बाहर निकलते हुए, जिला अस्पताल में एक कमरे से बाहर जाते हुए, उनके साथ बड़े अधिकारी मौजूद हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आप बता रहे थे मुख्यमंत्री योगी, क्योंकि खुद SSP मौजूद हैं, लेकिन लोगों की आपबीती सुनते हुए, समझते हुए, क्योंकि यहां पर FIR में यह बात दर्ज है कि वहां पर जो प्रवचन दे रहे थे बाबा, उनके गार्ड ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से स्थिति ज्यादा बिगड़ी। जी हाँ बिल्कुल, और इस वक्त अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जो घायलों के परिजन थे उनसे जाकर मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और अब घायलों से बातचीत कर रहे हैं।
घायलों से बातचीत करने का एक मुख्य वजह यह भी है, क्योंकि जब कल यह हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और साफ साफ लफ्जों में कहा कि यह हादसा है या साजिश है, इस पर जांच की जाएगी। और उसके बाद जब वो घायलों से बातचीत करेंगे तो घायल जो है प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस हैं, वो मौके पर मौजूद है। जब उनसे बातचीत करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा माजरा समझ में आएगा कि 80,000 का भीड़ 2.5 लाख से ज्यादा हो गया, 80,000 की इजाजत थी, इसके अलावा वहां पर कितनी तादाद में पुलिस के जवान वहां पर, पुलिस के अधिकारी वहां पर डिप्यूट किए गए थे, इसके अलावा किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी वहां पर, एम्बुलेंस मौके पर था कि नहीं, क्यों तमाम प्रोटोकॉल वहां पर फॉलो किया गया था कि नहीं। एडीजी आगरा जोन को मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की एक कमेटी बनाई एडीजी आगरा जोन की अध्यक्षता में और उसको रिपोर्ट 6-7 बजे के आसपास देना। जैसे ही कल यह हादसा हुआ मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, मृतकों को 2 लाख रुपया, घायलों को 50,000 रुपया, लेकिन मुख्यमंत्री के जहन में यह बात था। अमित, ये देखिए जहाँ पर ये पीड़ित भर्ती हैं, अस्पताल में हैं, अब उस वार्ड में पहुंचे हैं, पहले वो उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे, अब भी जो लोग उनके साथ हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी सारे घायल हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री का होना, इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होना, उनकी बात को समझना, सुनना, ये मुख्यमंत्री एक सेवक की भूमिका भी निभाते हुए, और हमने देखा कि इससे पहले उन्होंने और लोगों से भी बातचीत की, लेकिन जहां पर ये घायल भर्ती हैं वहां पर पहुंचे हैं, पूरी टीम है, डॉक्टरों की टीम है, देखिए कुछ बताते हुए, बुलाते हुए और बातचीत करते हुए, समझते हुए कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उनको इलाज मिलना चाहिए, समय से इलाज मिलना चाहिए, जो भी इंतज़ाम होने चाहिए अलग अलग इलाकों में, जो नज़दीक के इलाके हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और रिपोर्ट लेते हुए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट लेते हुए, अब ये देखिए कि कुछ बातचीत करते हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, कुछ लोगों को जल्द छुट्टी मिल जाएगी। और अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको जिला अस्पताल के अंदर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर हालचाल जानते हुए ये महिला जो कि इस वक्त भर्ती हैं, उनसे खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा होता है हाथरस में, हमने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, उनको मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, सत्संग में गए थे लेकिन ऐसी स्थिति होगी कि सीधे अस्पताल पहुंचेंगे और अपनों को खो देंगे, आखिरी कुछ लोगों के लिए सत्संग साबित हुआ, लेकिन स्थिति का सामना करना पड़ता हो करना होता है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। और यही लोगों से समझते हुए कि वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे भगदड़ मच जाती है, क्या उनको इलाज सही मिल रहा है, कोई उनको दिक्कत तो नहीं है, ये बातचीत करते हुए महिला भी मुख्यमंत्री को बताते हुए, जैसे कोई परिवार का सदस्य आपसे मिलने आता है, पूछने आता है कि कोई समस्या तो नहीं है, ठीक से इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ये बातें मुख्यमंत्री संभवतः इस महिला से कर रहे हैं। आप देखिए कि दो यहाँ पर जो पूरे बेड हैं, यहाँ पर महिलाएं भर्ती हैं, उनके परिजन भी साथ में मौजूद है जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। और जिन लोगों ने अपनी आँखों से मौत का मंजर देखा, जिन लोगों ने लोगों की दुनिया को उजड़ते हुए देखा, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ है, क्योंकि जो होना था वो हुआ। और यहाँ पर SDM ने DM को रिपोर्ट सौंपी है, देखिए महिला मुस्कुरा रही है, कुछ ऐसी बातचीत करते हुए, इशारा करते हुए कि सब ठीक है, और महिला ऐसे बताते हुए, तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचा है, पूरी अधिकारियों की फौज है, SSP खुद मौके पर मौजूद हैं, अस्पताल का पूरा प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है, और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए एक और घायल से बातचीत करते हुए, समझते हुए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि यहाँ पर लोगों से समझना, प्रत्यक्षदर्शियों से समझना, जिन्होंने अपनी आँखों से उस मंजर को देखा, जिन्होंने अपनी आँखों के सामने इतनी बड़ी घटना को घटित होते हुए देखा, ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। लापरवाही हर स्तर पर बरती गई है, ये तो साफ हो जाता है, लेकिन जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, जो भी इन मौतों का जिम्मेदार है, जिन्होंने भी अपनों को खोया है, वो छूटने नहीं चाहिए। एक ऐसा यहाँ पर एक्शन होना चाहिए जो नज़ीर बने, ताकि अगर इस तरह के आयोजन होते हैं, लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग में इसलिए जाते हैं ताकि उनका मन शांत हो सके, प्रवचन सुनने लोग जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे सही पड़ाव पर जाए, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा, खुशियां मातम में तब्दील हो जाएंगी और ऐसा कुछ होगा। और फिर कल से हमने देखा कि जब दोपहर का वक्त था ये सब हुआ, तो खुद मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, वो दुख जाहिर करते हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अभी तक जो एक्शन हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है आयोजकों के नाम है। अभी देखिए महिला से बात करते हुए, समझते हुए कि कहाँ पर उनको तकलीफ है, और ये कुछ इशारे में बात
करते हुए। यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वो भी बता रही हैं कि परिवार, क्योंकि पूरा परिवार जाता है जब ऐसे सत्संग होते हैं। हमने देखा बच्चे भी गए थे, बुजुर्ग भी गए थे, पूरा का पूरा परिवार गया था। लेकिन कुछ परिवारों के लिए तो ये सत्संग उनके जीवन का आखिरी सत्संग साबित हुआ। उनको मालूम नहीं था कि उनकी दुनिया उजड़ जाएगी और फिर इस पर राजनीति हो रही है। हर बार देखा है हमने, बड़ा हादसा होता है, राजनीति होती है, लेकिन इन हादसों से सबक लेना चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। जो इन लोगों ने झेला है, जो इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है, जो इन लोगों ने महसूस किया है, जो इन लोगों ने अपनों को खोया है, वो किसी और के साथ जीवन में ना हो, ये होना चाहिए। आपको बताएं कि 1.5 से 2 घंटे तक लोग दबे रहे, ऐसे भगदड़ मचती है। कार, ऑटो, टेम्पो में भरकर शव ले जाए गए, कई सारे शव पोस्टमार्टम हाउस में। अमित हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, हम जिला अस्पताल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे एक परिवार का सदस्य किसी से मिलता है, हालचाल जानता है, उनकी तकलीफ को सुनता है, उनसे पूछता है कुछ कमी तो नहीं है, वही इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही यह हादसा हुआ, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 मंत्रियों को जो हाथरस के प्रभारी हैं, उन्हें, उनके अलावा लक्ष्मी नारायण सिंह और एक मंत्री को यहाँ पर भेजा, केवल यहाँ पर वो देखने के लिए कि घायलों का उपचार सही तरीके से हो। और मैं आपको तस्वीरें आपको यहाँ पर लगातार दिखाता रहूँगा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त अब बाहर आ सकते हैं। लगातार जो असीम वरुण है, जो मंत्री हैं योगी सरकार में, वो रात में 2 बजे 3 बजे यहाँ पर मौजूद थे, और वो केवल इसलिए मौजूद थे कि घायलों की के उपचार वो देख रहे थे, घायलों के उपचार में किसी भी तरीके से लापरवाही ना हो। एटा जिले में, अलीगढ़ जिले में और दूसरे जिले में, आगरा में के अस्पतालों में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फोन पे बातचीत कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे कि किसी भी तरीके से कोई भी घायल को प्राथमिक उपचार या किसी भी तरीके का उपचार गंभीर स्थिति में है तो उसे हर संभव इलाज दिया जाए। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वार्ड में है, जिला अस्पताल हाथरस जिला अस्पताल के वार्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं। और जाहिर तौर में जब हाल चाल लेते हैं तो जरूर ये बात हमें तो क्या बता पाएंगे कि इस वक्त जिला अस्पताल में कितने लोग मौजूद हैं, हाथरस के जिला अस्पताल में कितने लोगों का इलाज चल रहा है, क्या अभी भी कुछ शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, आंकड़ा मिल पाया है? देखिए हाथरस के जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो 8 से 10 घायल यहाँ पर हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो घायल हैं वो यहीं पर हैं, और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हुआ है, 30 से ज़्यादा बॉडीज़ का यहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका है, सबकी बॉडी की शिनाख्त हो गई है। सुबह में ये था कि 2 बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन जो अभी जानकारी मिल पा रही है कि उसका भी शिनाख्त हो चुका है, यानी शिनाख्त सबका हो गया है। 121 लोगों की मौत हुई है, 34 बॉडी का पोस्टमार्टम यहाँ किया गया है, और 8 से 10 घायल जो है। हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला से देखिए मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए, डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट्स दिखाते हुए, एक्सरे दिखाते हुए, समझाते हुए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।